नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कपिल सिब्बल का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को से मेरी गुजारिश है कि जल्द से जल्द राहुल गांधी की सदस्यता वापस करें। और ये उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है। जब राहुल गांधी की सदस्यता पर सवाल पूछा गया खास करके कपिल सिब्बल से, तो कपिल सिब्बल आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा यह कि सीधा सीधी गलत है, ये उनका इनकाउंटर का राज चल रहा है। राहुल गांधी के बयान पर भी जबरदस्त तरीके से उन्होंने जवाब दिया। आइए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने क्या कुछ कहा और कपिल सिब्बल इनकाउंटर के मामले में भी उन्होंने खुलकर अपनी बातें रखते नजर आए। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि कपिल सिब्बल एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए दिल्ली से लेकर देश के दूसरे राज्यों के नेताओं को अलग अलग मामले में मिल रही सीबीआई और ईडी के नोटिस को लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। हाँ, वहाँ हाल ही में यूपी में बाहुबली नेता अतीक अहमद और अशरफ अजीम की पुलिस कस्टडी में हुई हत्या को लेकर भी विपक्षी दलों ने बीजेपी पर सवाल खड़े किए। तो वहीं अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के इनकाउंटर पर भी सवाल उठे। तो इन मामलों को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने मीडिया से बात करते हुए जवाब दिया कि साथी सिब्बल ने बीजेपी पर तानाशाही करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से गलत है, अगर ऐसे होगा, ये तानाशाही होगी, तो लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाएगा और मोदी सरकार को ये बात सोचना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जो करवाई गई है ये सरासरी गलत है, ये कानूनी गलत है। इसके बावजूद मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हालांकि सूरत कोर्ट ने इनकार कर दिया, आपने देखा कि अहमदाबाद कोर्ट ने इनकार कर दिया। लिहाजा ऐसे में सवाल है कि अब राहुल गांधी को इतना समर्थन मिल रहा है, कपिल सिब्बल तो अब वो उनके साथ भी नहीं है, बीजेपी के कांग्रेस के साथ नहीं है, इसके बावजूद वो उसका समर्थन करते आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को इससे बड़ा हिम्मत विपक्ष की तरफ से नहीं मिल सकता। लिहाजा क्या राहुल गांधी को अब सदस्यता वापस हो जाएगी, क्योंकि कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हैं, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपी9 न्यूज़।